हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने कीबोर्ड यामाहा PSR-I500 में बैंक्स बना सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर इस कीबोर्ड में बैंक बनाना काफ़ी आसान, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको अपनी जो स्टाइल है उसे सिलेक्ट करना है, मतलब जो भी आप स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो स्टाइल है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार प्ले कर भी देख लेते हैं इसे। तो ये पर्टिकुलर स्टाइल हम यूज़ करने वाले हैं एंड इसी स्टाइल के साथ हम अलग अलग टोन्स का भी यूज़ करेंगे, ताकि जब हम बैंक का यूज़ करें तो हम इजीली यहाँ पर अलग अलग टोन को एक्सेस कर पाएँ। तो जो हमारी रिदम है वो सेम रहने वाली है, बट जो हमारी टोन है हम उसको अलग अलग बैंक्स में सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिदम सिलेक्ट कर ली है, हमने टेम्पो सेट कर लिया है, कंपनी ऑन है। अब हम यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टोन है उसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम सितार 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। एक बार हम प्ले कर देख लेते हैं इसे। तो ये जो हमारी सीक्वेंस है वो रेडी हो चुकी है फर्स्ट बैंक में सेव होने के लिए। आपको सिंपली यहाँ से सबसे पहले इस बटन को प्रेस करना है, जहाँ पर आपको बैंक एंड मेमोरी लिखा है। तो आप जैसे ही बैंक प्रेस करेंगे आपके सामने 1 इस तरह से 8 तक ऑप्शन आएंगे, 1 to 8। तो आप एक पर्टिकुलर बैंक में 4 अलग अलग सीक्वेंस को सेव कर पाएंगे, मतलब 4 अलग अलग पैटर्न्स को सेव कर पाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं बैंक 1। तो अभी जो हमने टोन एंड स्टाइल सिलेक्ट किया है हम उसे फर्स्ट बैंक में सेव करेंगे। सिंपली आपको ये जो बटन है इसको प्रेस करके रखना है एंड नंबर 1 पर आपको उसके बाद प्रेस करना है कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पर प्रेस करना है सबसे पहले ऐसे एंड उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर पर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं मेमोरी ओके बता रहा है, मतलब कि जो यह हमारी सीक्वेंस है वो ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट बैंक के फर्स्ट नंबर पर सेव हो चुकी है। अब इसी तरह से हमें एक ही पैटर्न में अगर अलग अलग सीक्वेंस चाहिए, जैसे अलग अलग टोन चाहिए, तो हमको सेम मेथड फॉलो करना है। वापस से आपको इसे प्रेस करना है। अब इसे सेव करना है नंबर 2 में, मतलब बैंक 1 के नंबर 2 में कुछ इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर और कोई टोन ले लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स। तो हमारी टोन जो है वो सब सेम ही है, स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर जो हमारी स्टाइल है वो सेम ही है, बस हम यहाँ पर जो हमारे वेरिएशन ला रहे हैं वो ला रहे हैं हमारी वॉइस में। वापस से आपको इसे प्रेस करना है नंबर 3 पर, इस तरह से ओके करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे तीनों बैंक सेव हो चुके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों बैंक बन चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पर प्ले करेंगे एंड सीक्वेंस के बीच में हम अलग अलग टोन्स को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रिदम को। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप किस तरह से इजी वे में अपने कीबोर्ड यामाहा PSR-I500 में रजिस्ट्रेशन बैंक मतलब कि रजिस्ट्रेशन मेमोरी बना सकते हैं। एंड इसी तरह से आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि जब हम अलग अलग बैंक में शिफ्ट कर रहे थे रिदम के बीच में, तब जो हमारी टोन्स थी वो एकदम प्रॉपर वे में जा रही थी। मतलब कि आपने कई बार दूसरे कीबोर्ड्स में देखा होगा कि जब भी आप बैंक चेंज करते हैं या तो फिर आपकी रिदम रुक जाती है, एक सेकंड का पॉज आ जाता है, या फिर जो आपकी टोन है वो कट जाती है जहाँ पर वो प्ले हो रही है। बट ये कीबोर्ड में इसका फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिदम के साथ साथ जो टोन है उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब कई बार आप रिदम में प्रॉब्लम आ जाती है कि रिदम एक सेकंड के लिए पॉज हो जाती है, बट यहाँ पर हम अगर टोन भी चेंज करते हैं, बैंक भी चेंज करते हैं, तो जो हमारी पहले वाली टोन है वो भी कटती नहीं है। जो नई वाली टोन है उसे हम, जो हमारा मेन पॉइंट है, मतलब हम जहाँ से उसे शुरू करना चाहते हैं वहाँ से ईजिली शुरू भी कर पाते हैं। इस कीबोर्ड की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसकी ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड इसके साथ प्रोमो कोड भी दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।